प्रणाम सभी को, राम राम। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जो है वो सभी लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी है। भारत सरकार ने अभी अभी एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि जो भी दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो भारत के अंदर नहीं बनती, बड़े सारे रेयर डिजीज़ होते हैं जिनको लेकर बाहर से दवाइयाँ मंगवानी पड़ती हैं, उन सभी दवाइयों के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो माफ़ कर दी गई है। क्योंकि कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लाखों रुपए की आती हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक पुंछ का केस भी आया था, उसमें भी एक बच्ची को जो है दवाई जो लगनी थी वो अमेरिका से आनी थी और उस दवाई की कीमत लाखों रुपए में थी। अब उन लाखों रुपए में कितनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पड़ती थी जिस वजह से लोग वो दवाई ले नहीं पाते थे और उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने अभी अभी ऑर्डर निकाला है जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कस्टम ड्यूटी रहती है, जितने भी ड्रग्स हैं या फिर ऐसी सामान जो दवाइयों में पड़ता है और जो बाहर की कंट्रीज से लाना पड़ता है, उसमें जो स्पेशल मेडिकल पर्पज़ के लिए जितनी भी दवाइयाँ लाई जाएंगी उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी वो माफ़ कर दी गई है। ये एक अच्छी खबर है और जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी वो सारी की सारी अब माफ़ कर दी गई है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि नेशनल पॉलिसी है जो रेयर डिजीज़ 2021 की, उसके तहत ये एग्जम्पशन दी जाएगी। आपको याद होगा जिस समय कोविड भी था उस समय भी कई लोगों ने बाहर से कई दवाइयाँ भी मंगवाई, कंसंट्रेटर भी मंगवाए ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी उस पर पड़ती थी कि लोगों को बड़ा नुकसान होता था। लेकिन अब भारत सरकार के इस ऑर्डर के तहत अब जितना भी कस्टम ड्यूटी है वो माफ़ कर दी गई है। इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा जितने भी लोग हैं जो स्पेशल रेयर डिजीज़ के लिए दवाइयाँ मंगवाते हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से दवाइयाँ, उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो सारी की सारी माफ़ कर दी गई है। ये एक अच्छी खबर है और इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद भी करूँगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, शशि थरूर कांग्रेसी नेता द्वारा एक बड़ी कैंपेन भी चलाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने लगातार सरकार से अपील की थी और आज उनकी वो बात को जो है कहीं ना कहीं मान लिया गया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत सरकार ने जो भी लोग बीमारी से जूझते हैं और जिनको कई सारी बीमारियों के लिए बाहर से दवाइयाँ मंगवानी पड़ती हैं, अब उसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी होगी वो सब की सब जो है माफ़ कर दी गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि लाखों रुपए की दवाई अब हज़ारों रुपए में आपके घर पर आ जाएगी, हमारे देश में हम ला सकते हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी डिजीज़ है जिनकी दवाइयाँ अभी भारत में नहीं बन रही हैं और बाहर की कंट्रीज से लानी पड़ती हैं। वैसे वो दिन भी दूर नहीं जब भारत खुद से सारी दवाइयाँ बनाएगा, तब तो हमें ज़रूरत भी नहीं होगी बाहर से दवाई लाने की। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा, जब तक हम लोग पूरी तरह से विश्व गुरु नहीं बन जाते, तब तक भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी ज़रूर माफ़ कर दी है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।